नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने पहले एक स्केल बताया था आपको राजस्थानी भजनों का, और वो स्केल है सा कोमल गा मा पा कोमल नी और सा, ये स्केल है। तो इस स्केल में किस तरीके से अपने को अपनी अंगुलियां चलानी है, सबका अपना अपना स्केल है। कोई चौथी काली से गाएगा, कोई पाँचवीं काली से गा रहा है, कोई छठी काली से गा रहा है, कोई साढ़े चार से गा रहा है। तो सबका अपना अपना स्केल है। सारे स्केल में मैं आपको बजा के बताऊंगा इस स्केल को, और इस स्केल में कौन कौन से ऐसे भजन हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और कुछ आलाप भी मैं इस स्केल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको अपने को आलाप लेना है। तो स्केल को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद में आपको चाहिए कोई सा भी बटन दे दिया, उस बटन से ये स्केल आपको बजाना आना चाहिए, बस ये चीज़ है। तो इस स्केल को आप बार बार बजाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर इस स्केल के अंदर कोई भजन है तो वो आपके दिमाग में ज़रूर आएगा, और आप उसको बिल्कुल आसानी से और देसी अंदाज में देसी तरीके से बजाना सीख जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मित्रों, मैं इसको सबसे पहले आपको तीसरी काली से बता रहा हूँ। यहाँ से सा कोमल गा मा पा कोमल नी और सा, स्केल को ध्यान में रखना। सा कोमल गा मा पा कोमल नी और सा, ये सा हो गया, मंदर का ये पा। अब दोस्तों, इस स्केल के साथ में अपने को ये करना है कि ये जो ये है मंदर का कोमल नी, इसको भी यूज लेना है, ठीक है, इसको भी काम में लेना। अब इस स्केल पे अगर आप तीसरी काली से बजा रहे तो कैसे बजाना, देखो। तो मित्रों, ये तीसरी काली से हो गया यहां से स्केल। अब देखो दोस्तों, इसी स्केल को अपने को साढ़े तीन से बजाना, तो ये सा, ये साढ़े तीन यहां से, और ये पा। अब यहां से स्केल कैसे हो जाएगा देखो, मित्रों इस स्केल में मान लो अपने को आलाप लेना, तो देखो कैसे लेंगे। ध्यान से देखना वापिस, पा से शुरुआत हो रही है, देखो इस स्केल में अपने को कोई दोहा बोलना, तो दोहा कैसे बोलेंगे ये देखो। तुलसी नर क्या बड़ा और समय बड़ी बलवान, अरे का बालू ठी गोपिया, ए भाई बे बेवान।
रखी गट्टी में प्राण। अरे कभी तो दीन दयाल के ए भाई बन के पड़े दोस्तों। इस स्केल को बजाने के लिए ये जो आवाज आ रही है ना, ये आना बहुत जरूरी है। देखो ये, अब मित्रों मान लो इसी स्केल को आपको चौथी काली से बजाना, तो चौथी काली यहां से सा कोमल का, चौथी काली से ये स्केल ऐसे बजेगा। यहाँ से इसका सा है ये, और ये कोमल गा मा पा कोमल नी सा। अब मान लो इसको आपको 4.5 से बजाना है यहाँ से, तो सा कोमल गा मा पा कोमल नी और सा, ये वाला स्केल हो जाएगा यहाँ से। ये जो आवाज है ये आनी चाहिए, देखो स्केल को ध्यान में रखना अपने को, कि सा कोमल गा मा पा कोमल नी और सा, ये वाला स्केल अपने को ध्यान में रखना। अब यहां से अगर दो बोलेंगे तो आवाज की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। देखो सतगुरु मेरे बाणिया और बीण जी करे वो पार, अरे बिन डांडी बिन ताकड़ी गुरु तो ले लियो संसार। वो एक बार आई जो सतगुरु बार में मारे आई जो, एक बार आई जो सतगुरु बार में मारे आई जो, ये सतगुरु जी मारे देसी में वो जी, ये दयालु मारे देसी में वो जी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे राजस्थानी भजन है जो इसी स्केल के अंदर चलते हैं। ये देखो अरे भाई सूता राणो सुख बारे नींदी सूता राणा
ऐसे बहुत सारे राजस्थानी देसी भजन इस स्केल के अंदर आपको मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार बजाइएगा इस स्केल को, प्रत्येक स्केल के अंदर बजाइए। जैसे मान लो मैंने अब इसको पांचवे काले को ले लिया यहाँ से, ये पांचवे काले से हो गया यहां से, ये देखो। अब मान लो दोस्तों इसी को आपको 5.5 से बजाना है इस स्केल को, तो देखो यहाँ से, इस तरीके से दोस्तों इस स्केल को आपको ध्यान में रखना है और प्रत्येक बटन से इसको आप बजाने का कोशिश करें। और ये जो धुन आ रही है ना, ये इसको बजाने की कोशिश करें। धन्यवाद।